पूर्व में कभी ऐसा बोला हो कि काशी में तो यदि किसी ने आत्महत्या भी कर ली हो तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी को मरना हो तो आत्महत्या काशी में जाके करे। आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। अब जी कुछ समय पहले 8-10 महीने पहले ऐसी ही कोई घटना किन्हीं के साथ में नुकसान हो गया, कारोबार फेल हो गया, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, घर दुकान मकान सब कुछ चला चलू गया। और सत्य घटना है किसी परिवार ने सोचा अब तो मरना है, काशी में ही मरेंगे, काशी में जाकर के मरेंगे तो दुर्गति नहीं होगी, उद्धार आत्मकल्याण हो जाएगा। कथा में सुना तो वो मरने के लिए काशी जा रहे थे, बहुत दूर से आए, काशी में जा रहे थे मरने के लिए। उसी रेल के डिब्बे में कुछ भक्त लोग बैठे थे, वो अपने आश्रम आ रहे थे कथा सुनने के लिए। चर्चा हुई कहाँ जा रहे हो, ऐसे ऐसे वृंदावन जा रहे हैं, महाराज की कथा हो रही है, तुम कहाँ जा रहे हो, काम मरने के लिए जा रहे हैं काशी, ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन जिनकी कथा तुम सुनने के लिए जा रहे हो उनकी कथा में ही हमने सुना है कि काशी में यदि किसी की मौत होती है तो उसकी कोई दुर्गति नहीं होती। तो उन्होंने कहा तुम मरने को जा रहे हो तो मथुरा, यहां से अगला स्टेशन मथुरा ही है, आगरा से निकले होंगे, तो एक बार उनसे भी मिल लो फिर मरने के लिए चले जाना। तो मथुरा के आश्रम पर, मथुरा के रेलवे स्टेशन पर रुक लिए, उतरे, फिर वृंदावन आए, आश्रम में आए। और आप में बहुत जन उनको जानते हैं, 8-9 महीना रहने के बाद अब वो आराम से अपने क्षेत्र के लिए, अपने घर के लिए वापस लौटे, जीवन बच गया। जीवन में उतार चढ़ाव, हाँ जो आप समझ रहे हैं उन्हीं की मैं बात कह रहा हूं। कल यहां से वापस लौटे हैं 8-9 महीने के बाद। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में एक भी बार मरने की बात ना आई हो, जरूर मरने की बात आई होगी। ऐसे ही समय में अपने आप को संभालने की जरूरत है, ऐसे ही समय में महापुरुषों से जुड़ने की जरूरत है। और उन्होंने ये पूरी की पूरी घटना मुझे बताई थी, कहा महाराज जी हम तो मरने को जा रहे थे और बस आ गए, जीवन बच गया। हमने कहा परमात्मा ने तो हमें भेजा ही इसलिए है किसी न किसी प्रकार से लोगों को बचा ले। बोल रहे थे भले ही सब नष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया, सब चला गया, मांगने वाले के 2 हाथ हैं तो देने वाले के 1,000 हाथ हैं, जो गया है द्वारा सब स्थापित हो जाएगा। धैर्य धारण करना, यह मरना कोई जीवन का समाधान नहीं है। अपनी जिंदगी से स्नेह करो, अपने जीवन से प्रेम करो।